प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट है। भारत सरकार के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड शासन की ओर से भी कोरोना को लेकर SOP जारी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अनिवार्यता फिर से शुरू हो गई है, साथ ही RT-PCR टेस्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ रोज हजारों लोग पहाड़ के पर्वतीय जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत को आवाजाही करते हैं और पर्यटक भी कुमाऊं के प्रवेश द्वार से ही पहाड़ को आवाजाही करते हैं। अब बढ़ता संक्रमण लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। वहीं हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋषा सिंह का कहना है कि शासन द्वारा SOP जारी कर दी गई है और जिला अधिकारी द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में हम पहले जैसे कोविड को रोकने के लिए मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते थे, उन सभी चीजों का पुनः ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे। साथ ही जो लोग बाहर से आते हैं उनकी सैंपलिंग के लिए भी निर्देशित दिए गए हैं। कोविड का संक्रमण ना फैले इसके लिए पूर्व में ही तैयारी कर ली गई है। ये कल ही नई SOP शासन की तरफ से जारी हुई है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है। तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें वापस जो हम कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए बिहेव करते थे, मास्क का प्रयोग करते थे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे, उसके लिए दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग वगैरह के लिए भी इसमें निर्देशित किया जा रहा है। तो कोविड का संक्रमण ना बढ़े इसके लिए सभी जो तैयारियाँ हैं उनको पूर्व से ही तैयारियाँ कर ली गई हैं। साथ ही जो कोविड की बूस्टर डोज है उसको जिन लोग मुझसे छूट गए हैं उनको लगाने के लिए इसमें प्रेरित किया जा रहा है और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इसके संक्रमण को यहीं पे रोका जाए, ये किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ने पाए। ये अभी इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम लोग इसमें आगे की जो भी कोविड को लेकर तैयारियाँ हैं उनको करते हुए अनुपालन कराएंगे। और इसमें फ़िलहाल हम लोगों को भीड़भाड़ इलाके में मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र और टेस्ट, और जो लोग इसमें कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट करने के लिए उनके घरों में जैसे पहले आइसोलेट किया जाता था उसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो उन सभी जो SOP आई है उसका मानक जो है मानकों के आधार पर उसका पूर्ण पालन कराया जाएगा। वहीं हल्द्वानी SDM मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनमें जो भी अस्पताल में आने वाले लोग हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जुड़ने वाले लोग हैं उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी और सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। देखिए, अभी जो नए निर्देश आए हैं राज्य सरकार से उसमें यह है कि जो भी हॉस्पिटल्स में आने वाले लोग हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जुटने वाले लोग हैं उनकी रैंडम एक तो सैंपलिंग कराई जाएगी, दूसरा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर या सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है, और तीसरा इसके अतिरिक्त भी जो सतर्कता डोज जिनकी बाकी रह गई थी या जिनका धीमी गति थी सतर्कता डोज को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।